लोकसभा चुनाव के रुझानों के बाद बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। अब पीएम मोदी को दुनिया भर के नामचीन राजनेताओं ने ट्विटर के जरिए बधाई दे डाली। वह इनमें से मोदी के करीबी दोस्त कहे जाने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले इजरायली भाषा में ट्वीट किया और फिर थोड़ी देर बाद हिंदी में ट्वीट किया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत के बाद बेहद शानदार तरीके से बधाई दी। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम को फोन पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा, मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी, आपके प्रभावशाली चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। ये चुनावी नतीजे एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आपके नेतृत्व को साबित करते हैं। हम साथ मिलकर भारत और इजराइल के बीच घनिष्ठ मित्रता को मजबूत करना जारी रखेंगे। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। वहीं आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2019 की वोटों की गिनती में एनडीए ने 2014 से भी जबरदस्त आंकड़े पाए। तो ऐसे में कहा जा सकता है मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए। अब देखना होगा आने वाले 5 साल में मोदी क्या कमाल करेंगे और किस तरह से देश की सत्ता चलाएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी, आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।